जिला मुख्यालय कलेक्टरेट गेट के बाहर जज संगठन द्वारा पिछले 9 दिनों से वन अधिकार में स्वीकृत पट्टे न वितरित किए जाने के विरोध में धरना दिया जा रहा है। 10वें दिन विधायक हीरालाल अलावा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कलेक्टर एसपी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा। दरअसल जिले के राजपुर ब्लॉक में वर्ष 2018 में कलेक्टर की अध्यक्षता में पट्टे स्वीकृत किए गए थे। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक पट्टा वितरण का आयोजन नहीं किया गया। वहीं जज संगठन द्वारा बताया गया कि स्वीकृत पट्टों की फाइल गुम हो गई है, इस त्रुटि के चलते पट्टे नहीं वितरित किए गए। अब पुनः पट्टों के लिए प्रक्रिया करने के बाद पट्टे वितरित किए जाएंगे। जज संगठन द्वारा जब तक पट्टे वितरित नहीं किए जाएंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं धरने का समर्थन करने पहुंचे मनावर विधायक ने जज संगठन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कलेक्टर हो या एसपी। वहीं वन अधिकार पट्टे का मुद्दा भी विधानसभा में उठाने की बात कही है। धरने को कितने दिन हो गए और क्या मांगे हैं और कोई अधिकारी ने आके कुछ लिया नहीं? पिछले 10 दिनों से यहां पर जय आदिवासी युवा संगठन के शक्ति संगठन के नेतृत्व में बड़वानी जिले के उन आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिनको बड़वानी जिला प्रशासन ने 26 जून 2018 को स्वीकृत कर दिया था। लेकिन दुख की बात है कि 2 साल होने के बावजूद भी जिला प्रशासन यह बात जयस कमेटी को कह रहा है कि वो फाइलें हमें मिल नहीं रही है। क्या यह कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं है? क्या यह कहीं ना कहीं आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? ये सवाल बड़े हैं कि जो आदिवासी बहुल्य जिला आज अपने अधिकारों के लिए, जहां के आदिवासी संगठन पिछले दस दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और जिला प्रशासन उन्हें आश्वासन तक देने के लिए तैयार नहीं है, ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का अड़ियल रवैया है। और निश्चित ही इस बात को हम विधानसभा में भी लड़ाई लड़ेंगे और जिन आदिवासियों के पट्टे जिन्होंने दावे किए हैं और उनको अब तक नहीं दिए हैं तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए प्रदेश सरकार को लिखूंगा मैं लेटर। आप लोग के लिए लड़ेंगे और किसी से डरने और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार की बात है। और अगर हमें दुख होता है कि जो अनुसूचित क्षेत्रों में नौकरी करने आते, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर आप उस क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों पर नॉलेज नहीं रखते हो तो आप अगली विधानसभा में डॉक्टर हीरालाल अलावा सवाल करेगा आप लोगों से, सरकार से सवाल करेगा। तो ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में न की जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।